हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बनाने जा रही हूँ ओट्स के पकोड़े और ये बहुत ही हेल्दी और टेस्टी होते हैं। तो चलिए देखते हैं ओट्स के पकोड़े बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। ओट्स के पकोड़े बनाने के लिए हमें चाहिए 1 कप ओट्स, आधा कप चावल का आटा, आधा कप बेसन, 1 बड़ा प्याज बारीक कटा हुआ, धनिया पत्ता 1/4 कप, इसे भी मैंने बारीक काट लिया है, 4 से 5 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच, नमक स्वाद अनुसार, रिफाइंड ऑयल पकोड़े को डीप फ्राई करने के लिए। तो सबसे पहले हम ओट्स को भिगो लेंगे। ये मैंने 1 कप ओट्स लिया है और इसे मैंने बड़े बाउल में डाल लिया है। अब इसमें हम पानी डालेंगे। पानी हम उतना ही डालेंगे जितने में ओट्स पूरी तरह से डूब जाए। अब इसे हम कवर कर लेंगे और कवर करके 10 मिनट के लिए ऐसे ही ढक करके छोड़ देंगे ताकि ये अच्छी तरह से फूल जाए। 10 मिनट हो चुके हैं और ओट्स हमारा पूरी तरह से फूल चुका है। अब इसे हम पानी में से अच्छी तरह से छान लेंगे, बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह से मैं छान रही हूँ। और इसे हम छानने के बाद एक अलग बाउल में रख लेंगे। ये मैंने ओट्स को अच्छी तरह से छान लिया है। अब इसे हम एक बड़े बाउल में रख लेंगे और इसी तरह से बचे हुए ओट्स को भी छान लेंगे। ये मैंने पूरा ओट्स छान लिया है। अब इसमें हम चावल का आटा डालेंगे, बेसन डालेंगे, प्याज डालेंगे, धनिया पत्ता डालेंगे, हरी मिर्च डालेंगे। अब इसमें हम अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे, नमक डालेंगे स्वाद अनुसार। अब हम इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसमें मैंने पानी का इस्तेमाल नहीं किया है। अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो आप इसमें पानी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ये हमारा बैटर तैयार है पकौड़े बनाने के लिए और इसे हमें थिक ही रखना है, बहुत ज़्यादा गीला नहीं करना है। और इसमें मुझे पानी की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ी। अब हम आगे के प्रोसेस की तरफ चलते हैं। ये मैंने पहले ही तेल गरम करने को रख दिया था और तेल हमारा अच्छी तरह से गरम हो भी चुका है। अब हम गैस का फ्लेम लो कर लेंगे और इसमें हम एक एक करके पकोड़े डालेंगे। तो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ मैं पकोड़े कैसे डाल रही हूँ। मैं ये 2 स्पून की मदद से पकौड़े डाल रही हूँ। 1 स्पून पर मैं बैटर को ले लूँगी और दूसरे स्पून से उसे मैं तेल में गिरा दूंगी, बिल्कुल इस तरह से जैसे कि मैं कर रही हूँ। आप इसे हाथ से भी कर सकते हैं पर स्पून से करना बहुत ही इजी है और बहुत जल्दी हो जाता है। तो आप भी बैटर को पकोड़े की शेप में स्पून से ही तेल में डालें, बहुत ही आसानी से हो जाता है और बहुत ही जल्दी हो जाता है। अगर आप इसमें कंफर्टेबल नहीं हैं तो आप हाथ से भी डाल सकते हैं। हाथ से डालने के लिए आप हाथ पे हल्का सा ऑयल लगा लें या फिर पानी लगा सकते हैं जिससे कि बैटर आपके हाथों पे बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा। पकोड़े डालने के बाद हम गैस का फ्लेम मीडियम कर लेंगे और मीडियम फ्लेम पे इसे हम तब तक तलेंगे जब तक कि इसका कलर चेंज होकर गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। और इसे हम बीच बीच में पलटते रहेंगे, चलाते रहेंगे ताकि ये सारी तरफ से बहुत ही अच्छी तरह से तले। आप देख सकते हैं पकोड़े का कलर चेंज होने लगा है और ये ऑलमोस्ट पक चुका है। पर इसे हम थोड़ा सा और पका लेंगे, थोड़ा सा और कलर डार्क होने देंगे। अभी हम गैस का फ्लेम हाई कर लेंगे और हाई फ्लेम पर इसे हम 1 या 2 मिनट के लिए पका लेंगे ताकि ये ऊपर से थोड़ा सा क्रिस्प हो जाए। ये हमारे पकोड़े पूरी तरह से पक चुके हैं, इसका कलर भी बहुत अच्छा आ चुका है। अब हम गैस का फ्लेम लो करके इसे हम प्लेट में निकाल लेंगे और इसी तरह से बाकी के बचे हुए बैटर से भी हम पकोड़े तल लेंगे। जैसे कि मैंने पहले बताया था बिल्कुल उसी तरह से तलेंगे पकोड़े का कलर गोल्डन ब्राउन हो जाने तक। और एक बार के पकोड़े तलने में हमें 12 से 15 मिनट लगते हैं। ये भी हमारे पकोड़े तल चुके हैं। अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर लेंगे और इसे भी हम प्लेट में निकाल लेंगे। ये हमारे ओट्स के हेल्दी और डिलीशियस पकोड़े खाने के लिए रेडी है। आप इसे ग्रीन चटनी या फिर टमाटो केचप के साथ खा सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी बने हैं, तो आप इसे अपने घर में एक बार ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आती है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।